डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेश CMS क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए जो है विकर्ण संबंध को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें लिखा है, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों से समानता रखते हैं, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है द्वितीय आवर्त, और द्वितीय आवर्त के इसमें कुछ तत्व दिए हुए हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, और यहाँ पे लिखा है तृतीय आवर्त, और इसमें तृतीय आवर्त के कुछ तत्व दिए हुए हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो इस उदाहरण को जो है हम आपको इस परिभाषा के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए जो है पुनः एक बार इस परिभाषा को रिपीट करते हैं और आपको अच्छे से उदाहरण को समझाते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, तो द्वितीय आवर्त है कुछ तत्व, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन है। तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों से, तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों से, अपने से अगले समूह के तत्वों से समानता रखते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे द्वितीय आवर्त का जो तत्व यहां पे दिया हुआ, जैसे लिथियम दिया हुआ है, यह जो है अपने से अगले समूह, इसका अगला समूह क्या है, ए वाला है, अपने से अगले समूह वाले तत्वों से समानता रखते हैं। अगला समूह है और तत्वों का समान, तत्वों से समानता यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम से रख रहे हैं, यानी कि तृतीय आवर्त का जो तत्व है वो क्या है, मैग्नीशियम है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे बेरिलियम दिया हुआ है, या जो है अगले समूह के तत्व से समानता रख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम से। यहाँ पे बोरान दिया हुआ है, या जो है अपने अगले समूह से समानता रख रहा है, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन दिया हुआ है। तो यही जो है विकर्ण संबंध होता है, इसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिथियम जो है मैग्नीशियम से, पेरिलियम जो है एल्युमिनियम से, बोरान जो है सिलिकॉन से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।